तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिश टीवी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट क्रिश। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जब से ये किचन बना है हमारा, तो ये चिमनी आई थी, तो वो चिमनी लगाने वाले ने मुझे बताया था कि इसको क्लीन करना पड़ता है, जिसका ऑयलिंग होता है वो सब निकालना पड़ता है यहाँ पे नीचे। तो वो उसने मुझे बताया था, तो वो मैं जब से आया तब से किया नहीं है, बहुत समय हो गया, 5-6 महीने हो गए शायद, तब से किया नहीं। तो आज हम यही करेंगे, क्योंकि पहले से ऑन करना है मैंने, पहले ऑन करेंगे इसे। ऑन हो गई है, अब इसको दबाएंगे हम इस बटन को 3 सेकंड तक, 1 2 3, बस अभी सेट हो गया है। और ये अब जब तक ब्लिंक करता रहेगा तब तक इसको हम ब्लिंक होने देंगे। जब एक बार ब्लिंक हो जाएगा तो ऑयल सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इस प्लेट में, फिर इसको निकालेंगे और इसको साफ़ करेंगे फिर हम। तब तक मैंने अपने लिए 2 अंडों का ये हाफ फ्राई बनाया है, इसे चैट कर जाते हैं। वो देखो, अंडा मैंने चैट कर दिया है और यहाँ भी अब 9 मिनट से सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट और वेट करेंगे। और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे मैं अभी अंडा खा रहा था तो हमारे भाई साहब को पता नहीं चला शायद कि मैं अंडा खा रहा हूँ, इसलिए इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सोए रहे थे। सो जाओ, थैंक गॉड इन्हें पता नहीं चला, वरना ये अंडा अंडा करके दिमाग ख़राब कर देते हैं। हाची को मैं अंडा खिला तो देता, बट ऐसा आता है कि जैसे उसको गर्म लगता है तो वो अंडा उसके पेट में गड़बड़ कर देता है, दैट्स वाई आई अवॉइड अंडा गर्मियों में। तो उसको हम गर्मी में ज़्यादा अंडा नहीं खिलाते हैं, विंटर्स आ जाएंगे, वेट बाहर बहुत स्लो हो रहा है, काम चल रहा है घर पर, बाकी प्रोग्रेस है, काम तो घर पर बहुत सालों से चल रहा है। तो मैंने सोचा है कि जब विंटर्स आ जाएंगे तो हाची को 2-2 अंडे रोज खिलाऊंगा बॉयल, क्योंकि अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अगले महीने से जिम कंटिन्यू करूँ अपना, जिम की वीडियोस भी आएंगे मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। बॉयल अंडा अगर मैं खाऊंगा तो हाची को भी खिलाऊंगा अपने साथ साथ। और बातों ही बातों में यहाँ 4 से 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट और रुकना है, प्लेट भी पता नहीं कितनी भरी है, दिख नहीं रहा है कुछ, शायद ही बहुत ज़्यादा भरने वाली, क्योंकि बहुत समय से हमने इसको ऑटो क्लीन किया नहीं है। चलो देखते हैं कितनी भरती है, तेल की बरसात होगी गाइस, तेल की बरसात। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, और जैसे ये कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिक ब्लिंक खुल चुका है, अब पता नहीं क्या खुल चुका है, निकाल लूं, ये तो चालू हो गया, अरे प्लेट निकाल लूं सर, ये तो बता ही नहीं रहा, प्लेट निकालूं, आई थिंक मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। पता नहीं क्या कर रहा है गाइस, तेल की लाइन तो मुझे दिख रही है यहाँ पर थोड़ी सी, एक तो सी ऊपर आई है, ये कुछ 3 मिनट और हमको कह रहा है शायद, पता नहीं। तो जैसे कि 3 मिनट पूरे कंप्लीट हुए, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है, अब शायद हम नीचे की प्लेट इसकी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यस गाइस, बहुत सारा तेल इकट्ठा हो चुका है, आपको शायद कैमरे में दिखे ना दिखे, ये देखो गाइस, इतना तेल इकट्ठा हो चुका है, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, सब नीचे को गिर रहा है इधर साइड पे, ये देखो गाइस, ये इतना तेल इकट्ठा हो चुका है इसमें, इसके नीचे भी लगा है अभी थोड़ा बहुत, आई थिंक पहले मुझे इसे कपड़े साफ करना पड़ेगा, फिर इसे साफ करना पड़ेगा। Let's go. मतलब गाइस, ये इतना सारा तेल इकट्ठा हुआ है ना इसमें कि अब ये 2 बार की सब्जी बन जाएगी, ओ शिट 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 शिट, 2 बार की सब्जी बन जाएगी इसमें। इसको हम सब सारा निकाल देंगे यहाँ पे, थोड़ी देर में धो के इसको फिर लगाएंगे। तो दोस्तों, पानी उबल चुका है, अब हम निकालेंगे सारा तेल उस प्लेट का। ये डाला मैंने गरम पानी, सारा खौलता हुआ पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, जो कि खौलता हुआ पानी सारा तेल को निकाल दे, और फिर थोड़ी देर में करेंगे इसे साफ और करेंगे अंदर फिट।
तो सारा तेल हम निकाल चुके हैं इसमें से, अब मैं इसे करूँगा अंदर वापस वापस प्लेट। तो प्लेट साफ करके हमने वापस से यहाँ लगा दिए, तेल निकाल चुके हैं हम इसका, चिमनी का तेल निकाल दिया हमने। तो ये रहा मेरा पूरा किचन। अगर इस किचन अगर इस किचन का पूरा किसी को वॉक अराउंड चाहिए, अगर पूरा किसी को बताना है कि कितना रुपया के साथ क्या चीज़ लगता है ऐसा किचन बनाने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। फॉरनर्स इन पहाड़ की शूट ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट हो गई है। थोड़े कुछ शॉर्ट्स हैं जो हमें अभी रीटेक लेने हैं, वो थोड़े से गलत आ गए थे। मेहनत तो कर ही रहे हैं हम वीडियोस बनाने में, अब आपकी बस आप पे है कि आप हमें कैसा प्यार सपोर्ट देते हैं। और अगर मेरी वीडियोस पे आप अगर आपको कोई भी गलतियाँ लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि क्रिश आप ये गलती कर रहे हो, आप ये मत करो और इसको थोड़ा सुधारो। तो आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे हेल्प होगी अपनी वीडियो सुधारने में, अपने आप को सुधारने में। बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं मेरे, दाढ़ी भी काफ़ी बड़ी हो गई है, कटाएंगे अभी इसे, पहले आज की जो बची हुई शूटिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। कोमल आती है बहन मेरी, फिर हम शूट आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर जाऊंगा मैं अपना थोड़ा कटिंग कराने, देखते हैं लेट्स गो। तो शूट तो शायद आज हो नहीं पाएगा क्योंकि कोमल थकी हुई है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी दाढ़ी सेट कर लेता हूँ। तो दाढ़ी मैंने सेट कर ली है, हल्की सी कर रही है, ज़्यादा नहीं करी है, अभी थोड़ी ट्रिम भी करेंगे क्योंकि अभी मैं बाल कटाने जाऊंगा तो वहीं जाके उनसे करूंगा। तो ये अभी मैंने अभी थोड़ी मतलब थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा था मैं, इसलिए मैंने हल्के से थोड़ा सा किया है अपना टचअप टचअप कहेंगे। और फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगा हाज को लेके घुमाने, और फिर उस ब्लॉग को वहीं पर कर देंगे एंड, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता मैं, ये ब्लॉग छोटा ही सही है। Ah 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 ah